रुको जरा हम भी वीडियो कर लें। सीरोज जी क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019 के सभी दर्शकों को और सभी आए हुए कलाकार को मेरा विनोद यादव अभिनेता का प्रणाम और मैं शुभकामनाएं देता हूं। जो सबसे पहले भोजपुरी फिल्म अवार्ड हमारा शुरुआत हुआ था 14 साल पुराना ये अवार्ड शो होता है लगातार वर्षों पे वर्ष और सबसे स्पेशल थैंक्स विनोद गुप्ता जी को जो हम जैसे कलाकार को एक तरह प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और सबसे मिलाते हैं और उनकी काबिलियत को सबके सामने दिखाते हैं, इसलिए बहुत बहुत विनोद जी को धन्यवाद। मेरे लिए प्राउड की बात है फिल्म रिलीज हुई और एक सबसे खुशी की बात है कि मैं सभी आर्टिस्ट के बीच में मेरा इनविटेशन मिला और आने का एक मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कि एक साथ हम सभी कलाकार मिलते हैं और भोजपुरी के उन दिग्गज के बीच में आ जाने का मौका मिला जो हमारी इंडस्ट्री को चलाते हैं और जिनके नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री जानी जाती है, तो उनके बीच में आना एक अपने आप में दम है। देखिए अवार्ड तो जूरी जाने लेकिन जो हमको मिलता है उसको प्राप्त है और उसके लिए धन्यवाद कहूँगा और अवार्ड मिला तो भी धन्यवाद, नहीं मिलता तो भी धन्यवाद। मेन चीज़ हमारी इंडस्ट्री बड़ी हो और उसमें से मजबूत बने इसकी कामना करता हूँ। हाँ मैं सबसे पहले मैं राइजिंग स्टार का अवार्ड मुझे मिला हूँ, मैं उसके लिए सबसे पहले ऐसी फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अभय सिन्हा सर को थैंक यू बोलूँगा। इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019 सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर अभय सिन्हा सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा जो उन्होंने इस काबिल समझा और मुझे एक अवार्ड फंक्शन में उसमें अवार्ड में मेरे को इनविटेशन दिया और अवार्ड दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला और बहुत बहुत सौभाग्य, इसकी वजह से मुझे बहुत सम्मान मान सब चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। गुंडा फिल्म रिलीज हो चुकी है, दो फिल्म मेरे बैक टू बैक है, फरवरी में शूटिंग करेंगे, नाम आपको जनवरी में डिस्क्लोज कर दिया जाएगा मुहूर्त पे और अभी फिलहाल में दो फिल्में शूटिंग पे हैं तो फरवरी में शूट करूंगा। विनोद गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे जितना बड़ा कार्यक्रम हम सेलिब्रिटी के लिए करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनकी ऊर्जा हो भगवान और दें कि हमारे जैसे और कलाकार को आगे भी ला सकें, इसलिए बहुत बहुत वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स विनोद गुप्ता जी को। ठीक है।